प्रिय छात्रों, देखिए बेटा, कक्षा नाइन्थ संस्कृत विषय में हमने अध्ययन किया पिछले वीडियो तक लोह तुला नामक हमारा आठवां अध्याय जो हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम उसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तर को हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, इस वीडियो में हम केवल उतने ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर समाहित करते हैं जितना हमारे पेपर में हमें प्रयोग में या उपयोग में आ सके। तो देखिए, अब इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को हम हल करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों में एक पद में उत्तर जिनका लिखना है वो प्रश्नोत्तर है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, कि व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। तो आप सबको पता होना चाहिए, लोह तुला नामक पाठ में व्यापारी के पुत्र का नाम था जीर्णधन। ठीक है, तुला कई भक्षिता आसीत, तराजू किनके द्वारा खा ली गई। तो वो राजा दूसरा व्यापारी था, उसने कहा था कि तराजू तो किसके द्वारा खा ली गई, चूहों के द्वारा खा ली गई। तो सही आंसर आएगा कई के अनुसार मूस, कई चूहों द्वारा, तृतीया का बहुवचन। तुला कीदर्शी आसीत, तुला किस प्रकार की थी या कैसी थी। तो आप सबको पता है कैसी थी, लोह घटिता अर्थात लोह से बनी हुई। पुत्र केन हृतय इति जीर्णधन वदति, पुत्र किसके द्वारा हरण किया गया, अपहरण किया गया ऐसा जीर्णधन कहता है। तो किसके द्वारा हरण किया गया, जीर्णधन ने किसके कहा था कि भाई किसने अपहरण कर लिया उसका, तो सयन के द्वारा। तो यहाँ भी तृतीया का एक वचन आ जाएगा, सयनेन, बाज के द्वारा। ठीक है, और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है आपके सामने है कि विवद मानव तव द्वा अपि कुत्र गतव, विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए। तो आप सबको पता है कहाँ गए थे, राजकुलम अर्थात राज दरबार में गए थे। फिर है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देशा अनंतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र किम व्यचित व्यचिंत्यत, कि प्रदेश जाने के इच्छुक बणिये के पुत्र ने, व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा, क्या किम विचिंत्यत क्या सोचा। तो उसने कहा कि यस्मिन देशे स्थानी व स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तत्र विभवहीनो यदि वस्ति स पुरुष अधम एव व्यचिंतित, कि जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगे हैं वहाँ निर्धर होकर जो रहता है वह अधम पुरुष है, इस प्रकार उसने सोचा। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम एकथयत, अपनी तराजू को मांगते हुए जीर्ण धन से सेठ ने क्या कहा। तो सही आंसर है स एवदत, वह बोला भो अरे न अस्ति सा, वह तो नहीं है, त्वदीया तुला तुम्हारी तराजू या तेरी तराजू को तो क्या हो गया, मूसकई भक्षिता आई थी, चूहों के द्वारा खा ली गई, ऐसा उसने कहा था। जीर्णधन गिरी गुहायाम गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत है, जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को किससे ढककर घर आया। तो इसका सही आंसर है जीर्णधन गिरी गुहाय द्वारम बृहच्छिलायाम आसाध्य ग्रहम आगत है, कि जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को विशाल शिला से ढककर घर आया। स्नान अनंतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठनम किम एवदत, स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे गए वणिक पुत्र ने सेठ से क्या कहा। वणिक पुत्र श्रेष्ठनम उवाच, वणिये के पुत्र ने सेठ जी को कहा कि नदी तटास से सयनेन हृतय, कि नदी के किनारे से उसे बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, ऐसा उसने कहा।
ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, ये है संधि, संधिनाम संधि विच्छेदम व रिक्त स्थान पूर्यत, संधि अथवा संधि विच्छेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रेष्ठ आ, श्रेष्ठ आ है, तो इसको आह क्या लोग आह है, एक पद निकल गया तो इसकी दूसरा पद निकलेगा, देखिए आप यहाँ पर श्रेष्ठी, ठीक है, श्रेष्ठी प्लस आ है। फिर है दो प्लस अपि, इसको जोड़ेंगे तो द्वाव अपि, द्वाव अपि, देखो इधर देखिए द्वाव अपि लिखा हुआ। पुरुष उपार्जिता, तो यहाँ पर पुरुष प्लस उपार्जिता आ जाएगा गुण संधि। यथा प्लस इच्छया, तो यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगा, ई का ए बन जाएगा, यथेच्छया, यथेच्छया, ठीक है। फिर है अगला हमारा स्नान उपकरणम, यहाँ पर भी स्नान प्लस उपकरणम आ जाएगा, स्नान प्लस उपकरणम, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अगला है स्नान प्लस अर्थम, तो इसका बन जाएगा स्नानार्थम, दीर्घ संधि, ठीक है। फिर अगला है समस्त पदम विग्रहम व लिखत, समास करके अथवा विग्रह करके लिखिए। स्नानस्य उपकरणम, इसका समस्त पद जब बनाएंगे तो हो जाएगा स्नानो उपकरणम, और विग्रह हो जाएगा स्नानस्य उपकरणम, ठीक है। इसी तरह से गिरी गुहायाम, गिरी गुहायाम का हो जाएगा यानी पर्वत की गुफा में, तो गिरे गुहायाम। धर्मा अधिकारी, धर्मस्य अधिकारी। विभव हीना हो जाएगा विभवात हीन, ठीक है। तो ये आपके चार क्वेश्चन मैंने करवाए, पहला दूसरा एक पद उत्तर पूर्ण वाक्य उत्तर, और छठा और सातवां ये संधि से संबंधित है, और सातवां जो है हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा जो है समाज से संबंधित है, ठीक है। और तो अब इनको आपको अपने गृह कार्य में ज़रूर करना है। एक प्रश्न बीच में ये रह गया था, इसको भी देख लीजिए बेटा, कि यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। जीर्ण धन विभव छया देशा अनंतरम गंतुम इच्छन व्य चिंतित, कि जीर्ण धन धन छीण होने के कारण प्रदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। तो यहाँ पर जीर्ण धन के नीचे रेखांकित किया है, तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे, तो कौन कौन जो है धन छीण होने के कारण प्रदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा, तो कौन के लिए पुल्लिंग में आ जाएगा कै, ठीक है। इसी तरह से श्रेष्ठ ने शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है, कि सेठ का बच्चा नहाने के साधन को लेकर अतिथि के साथ गया, तो किसके साथ गया, सह के योग में तृतीया आ रही है अभ्यागतेन में, तो यहाँ पर भी तृतीया का एक वचन प्रश्नवाचक शब्द लाएंगे केन, ठीक है। इसी प्रकार से है वणिक गिरी गुहायाम व्रत छलायाम आचितवाद, कि बणिये ने जो है क्या किया, गिरी गुहायाम पर्वत की गुफा में बड़ी शिला से उसे ढक दिया, तो किसके द्वारा ढक दिया गया, शिला है तो शिला क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक शब्द लाएंगे तृतीया का एक वचन कया, ठीक है। फिर यहाँ पर है सभ्यई, सभ्यई तव परस्परम संबोध्य शिशु तुला शिशु प्रदान संतोषित, संतोषित कि सभासदों ने उन दोनों को आपस में समझाकर तराजू और बालक दिलवाकर संतुष्ट किया, तो किस प्रकार किया, ये आएगा इसका उत्तर, क्योंकि ज़्यादा पद है, वैसे प्रदानेन होता तो केन आ जाता, लेकिन यहाँ पर तुला शिशु प्रदानेन यानी किस प्रकार उनको संतुष्ट किया, तो किस प्रकार के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, कि कैसे या किस प्रकार, तो इसके लिए कथम शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ प्रश्न निर्माण हमारा हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा और छठा और सातवां प्रश्न मैंने आपको हल करवाया है, इनको आपको अपनी मुख्य कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में ज़रूर ज़रूर हल करना है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद। अब देखिए एक विशेष सूचना है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, कक्षा नाइन्थ को एक ऐप डाउनलोड करना है, जिसका नाम है एजू ड्रीम, यानी ई डी यू ड्रीम, DREAM ड्रीम, ठीक है। ये प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, EDU DREAM, जैसे ही आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो ये ऐप आपके सामने निकल के आएगा,
कि एडो ड्रीम यानी द लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कीजिए। और बेटा डाउनलोड करने के बाद में उसको गेट स्टार्ट जब करेंगे, तो गेट स्टार्ट करके करोगे तो पहला पेज जो खुलेगा, पहले पेज में आपसे वो फ़ोन नंबर या फिर पासवर्ड मांगता है, तो वो उसमें मत डालना आप। उसके नीचे नीचे उसको ना डाल करके उसके नीचे नीचे जो है साइनअप, साइनअप को दबा दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज आएगा, अगले पेज में आप अपना नाम भरिए, नाम के आगे हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, HM कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और EM कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, नाम के आगे, ठीक है। खुद का नाम डालना है और क्लास का नाम डालना है, 9th लिख देना, 9th HM, 9th EM इंग्लिश मीडियम है तो, ठीक है। उसके नीचे मोबाइल नंबर मांगेगा तो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आपको उसमें डालने हैं। उसके बाद नीचे ईमेल आईडी मांगेगा तो ईमेल आईडी, मेल आईडी किसी की भी डाल सकते हैं, घर में जिसकी भी हो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे स्टेट सेलेक्ट करवाएगा तो उसमें राजस्थान स्टेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी का, उसी पासवर्ड को फिर नीचे कन्फर्म करना है। फिर वो आपसे मांगेगा रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आप GDS स्कूल डालेंगे, GDS स्कूल, SCHOOL, ठीक है। लेकिन इनको कैपिटल लेटर में डालेंगे, कैपिटल लेटर के में डालने के बाद में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। ऐसे जैसे ही आप ये सही कन्फर्म इसमें रेफरल कोड डाल देंगे तो नीचे आपका सक्सेसफुल्ली का ऑप्शन आ जाएगा और उसके नीचे साइन अप आएगा, साइन अप कीजिए। आपके मोबाइल में उसी समय OTP नंबर आएगा, उसमें OTP डालिए। उसके बाद में आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर स्कूल का नाम आ रहा है तो आपने मान लीजिए कि सक्सेसफुल तरीके से उस ऐप को डाउनलोड कर लिया। जब तक स्कूल का नाम नहीं आता है तब तक वो ऐप डाउनलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको आपको कन्फर्म डाउनलोड करना है और संभवतः आपके पास कॉल भी आएगी तो उससे पहले ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।